प्यारे बच्चों एग्जाम्पल नंबर तीन को देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर तीन जो है ये भी वर्क पावर एंड एनर्जी का है। एग्जाम्पल नंबर वन हो चुका है, एग्जाम्पल नंबर टू हो चुका है, एग्जाम्पल नंबर थ्री की तरफ चलना है। आप लोगों ने डिमांड किया था इसलिए ये सीरीज कंटिन्यू चलाए जाने की कोशिश होगी। और आप लोग अगर सर्च करते हुए इस क्वेश्चन पर आए हैं और आपका डाउट क्लियर हो जाता है तो भाई आप नो डाउट चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन मज़ेदार है, क्वेश्चन भाई मज़ेदार है, जरा ध्यान से पढ़ो। एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन ये दे रखा, हमसे कह रहा अ साइकिलिस्ट कम्स टू अ स्कीडिंग स्टॉप। एक स्कीडिंग स्टॉप है, वहाँ तक एक साइकिलिस्ट आया इन 10 मीटर, 10 मीटर चल करके वो आया है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड इज 200 न्यूटन। हमसे कह रहा है द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड, रोड ने जो साइकिल पर फोर्स लगाई है वो 200 न्यूटन की लगाई है। अब हमसे क्या कह रहा, एंड इज डायरेक्टली अपोज टू द मोशन, और ये जो फोर्स लगी है इस फोर्स ने मोशन को अपोज किया है जिसकी वजह से साइकिलिस्ट स्कीडिंग स्टॉप तक पहुंचा। हमसे क्या कह रहा है, हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल, रोड ने कितना वर्क किया साइकिल पर। दूसरा है हाउ मच डज द साइकिल डू ऑन द रोड, और कितना वर्क किया है साइकिल ने रोड पर। तो दोनों का पूछ रहा है, रोड ने साइकिल पर कितना किया, साइकिल ने रोड पर कितना किया। आई होप फंडा क्लियर हो जाना चाहिए कि स्कीडिंग स्टॉप है वो 10 मीटर के डिस्टेंस पर है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट आपके पास है। एक रिटार्डिंग फोर्स लगा है रोड के द्वारा साइकिल पर जिसकी वजह से ये साइकिल स्टॉप हुई है, और हमसे ये पूछा है कि रोड ने साइकिल पर कितना वर्क किया और सिमिलरली साइकिल ने रोड पर कितना वर्क किया। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के भी दो पार्ट हैं। पहला लिख देते हैं यहाँ पर गिवन दैट, सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या दे रखा। अब देखो इसके अंदर ना दो पार्ट हैं, तो पहले पार्ट की बात कर लेते हैं। लिख देते हैं फॉर फर्स्ट पार्ट, फॉर फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट की बात कर लेते हैं। हमसे कह रहा है अ साइकिलिस्ट कम्स टू अ स्कीडिंग स्टॉप, स्कीडिंग स्टॉप पर पहुंचा इन 10 मीटर, 10 मीटर के डिस्प्लेसमेंट पर है। तो इसका मतलब या फिर ये कह सकते हैं 10 मीटर के डिस्टेंस पर, लीनियर मोशन के लिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होती है। तो एस आपके पास है 10 मीटर। आगे क्या कह रखा, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड, रोड ने जो साइकिल पर फोर्स लगाई है वो 200 न्यूटन की लगाई है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक तरह की ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जिसकी वजह से साइकिल रेस्ट मारने की कोशिश करेगी। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा आपको, तो आपको फोर्स कितना दे रखा है, अल्टीमेटली फोर्स दे रखा है 200 न्यूटन का। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लेट अस सपोज कि ये साइकिल का फ्रंट व्हील है, या कोई से भी कह सकते हो, रियर कह सकते हो, फ्रंट कह सकते हो। अगर साइकिल आगे को मूव कर रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में लगने की वजह से ही क्या होता है, साइकिल को रेस्ट मारने की कोशिश करवाता है। मतलब कहने की बात ये है कि रिटार्डिंग फोर्स या फिर फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो मोशन को स्टॉप करने की कोशिश करता है। अगर ध्यान से देखो तो जो व्हील होगा वो इस तरह से मूव करेगा, व्हील जो है वो कुछ इस तरह से मूव करेगा, और फोर्स जो लग रही है व्हील इस तरह से मूव करेगा। अगर व्हील पर देखना है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर फोर्स देखोगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देखोगे, तो एक्चुअल में जब व्हील इस तरह से मूव कर रहा होगा तो मूवमेंट इधर की तरफ को है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लगेगा वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मतलब इस तरफ को लगेगा। लेकिन मैं एक मोटे तौर पर ये कह रहा हूँ कि अगर मोशन इस तरफ को हो रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट लगेगा। तो मैं इसको यहाँ ये बनाने की कोशिश कर रहा था, तो इसको मिटा दो वरना आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है भाई। तो ये एक तरह का ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिटार्डिंग फोर्स 200 न्यूटन का लगा हुआ है जो डिस्प्लेसमेंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, मोशन इस तरफ को हो रही है, लेकिन जो रोड फोर्स लगा रहा है वो अपोजिट लगा रहा है, मतलब पीछे की तरफ को लगा रहा है। तो हम इन दोनों के बीच में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ को हो रहा है और फोर्स लग रही है इस तरफ को, तो एंगल इन दोनों के बीच में कितना बना, 180 डिग्री का। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, समझा दूंगा उसको दोबारा से। तो यहाँ पर अब आपसे पूछा वर्क, तो वर्क निकालेंगे। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और साथ में कोस थीटा। फोर्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखें जरा, 200 न्यूटन का है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 10 मीटर का हुआ। कोस 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, माइनस का 1 होती है, माइनस साइन पहला आ जाएगा। 2000 के 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2000 जूल।
तो ये आपका वर्क निकल कर आ चुका है गाइज। निगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये वो वर्क है जो रोड ने साइकिल पर किया है साइकिल को स्टॉप करने के लिए, ठीक है भाई। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी आई होप। अब इसके अंदर सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड। तो ये तो ए पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बी पार्ट में, बी पार्ट में ये है कि साइकिल ने कितना वर्क किया। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ एक्शन जो होती है वो रिएक्शन के बराबर होती है। जितना रोड साइकिल पर लगा रहा था 200 न्यूटन का फोर्स, साइकिल भी उतना ही फोर्स लगा रही होगी रोड पर। तो रोड पर फोर्स कितना लगा, अगेन 200 न्यूटन का। लेकिन रोड पर 200 न्यूटन का फोर्स लगने से क्या रोड के अंदर किसी तरह का कोई डिस्प्लेसमेंट आएगा? तो रोड के अंदर तो डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा। जब रोड के अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहां पर पहले फोर्स देखो, फोर्स कितनी हो गई अगेन 200 न्यूटन, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करोगे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। अब देखो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, तो आप यहां का W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा लगाओगे, तो S जीरो होने की वजह से, S जीरो होने की वजह से पूरा का पूरा वर्क कितना आ जाएगा, जीरो। जब पूरा वर्क जीरो निकल कर आ जाएगा तो इसका मतलब ये पता चला कि जब मोशन नहीं होती है फोर्स लगाने से तो वर्क जीरो निकल कर आ जाता है, वो ये है। तो ये जीरो जूल हो जाएगा। तो आई होप आपकी समझ में आ चुका होगा, रोड ने साइकिल पर जो वर्क किया वो ये निकल कर आया, साइकिल ने रोड पर जो वर्क किया वो ये निकल कर आ गया। आई होप आपके क्लियर हो गया होगा। अगर किसी के क्लियर नहीं हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में टैली इंस्टा फेसबुक का लिंक दे रखा है, जा करके आप वहाँ अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। तबीयत ख़राब है लेकिन मज़ा आ रहा है भाई।